हेलो डॉक्टर माधोरा जी, हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर माधोरा जी, आजकल मेंटल हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस लोगों को अभी पता चलने लगा है। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तब मेंटल हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुए हैं ये हम बहुत सारे तरीके से साइकेट्रिस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, आप डायग्नोस कर सकते हो, तो बिहेवियर देख के या फिजिकल सिम्टम देख के। आज हम बस आपसे जो पूछने वाला हूं मैं, वो बस बिहेवियर के रिलेटेड है कि इंसान के स्वभाव में या बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस होते हैं जिनसे हम जज कर सकते हैं, या ये इंडिकेट करता है कि हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं या मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट आपसे ही कंफर्म करना चाहूंगा कि यदि किसी के लाइफ में यदि प्रोकेस्टिनेशन ज्यादा हो रहा है, लाइक वो चीजों को करना, हम उसको टालम टोल बोलते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये ज्यादा लेवल पे हो रहा है, या जॉब को जाने की जो सिचुएशन है, जॉब को जाने का मन नहीं कर रहा है, जॉब को जाने के लिए भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, या अलग अलग रीजंस देख के हम जॉब के लिए नहीं जाने के लिए मन बनाते हैं या उस टाइप से माइंडसेट बनाते हैं, या और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो बिहेवियर में हमारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमें पता चल सकता है। तो यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर माधोरा जी कि बिहेवियर में ऐसे कौन से चेंजेस पाए जाते हैं, या यदि मुझे डाउट है कि मेरा बिहेवियर एकदम से चेंज हुआ है एंड एबनॉर्मल है, तो उसको किस तरह से देखना चाहिए, या लाइक या कैसे हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर माधोरा जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, साइकेट्रिक पेशेंट्स हम लोगों के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में आमतौर पे देरी से आते हैं। वो जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि उनका जो बिहेवियर चेंज होता है वो लोगों को पता नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे बिहेवियर का मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो रहा है, ऐसा अंदाज लगाना मुश्किल जाता है क्योंकि किसी ने किसी को बताया नहीं रहता ना, है ना। आमतौर पे आप कहाँ देखते हो, जब आप पढ़ाई करते हो स्कूल में कॉलेज में या घर बसाते हो, आपको कौन बताता है कि आपका बिहेवियर में अगर ये चेंज हुआ तो ये बिहेवियर चेंज या चेंज इन बिहेवियर साइकोलॉजिकल इश्यू के कारण है, ऐसा कोई बताता नहीं। इसीलिए हमें पता नहीं होता कि बिहेवियर चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसके कारण जब तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है तब पेशेंट को हमारे साथ में पास में लाया जाता है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई किसी की चिड़चिड़ापन हुआ, है ना, या कोई नींद बराबर नहीं कर रहा है, या रात को जाग रहा है, या दिन में सो रहा है ना, या झगड़े बहुत हो रहे हैं, या मोबाइल बहुत देखने लगा है ना, या नहाना धोना उसने बंद कर दिया है ना। रोज सुबह नहाने वाली व्यक्ति नहाना बंद कर दिया, आजकल दो दो दिन नहाते ही नहीं है, या खाना खाना कम हुआ है ना, या उनके कमर में बहुत दर्द हो रहा है ना। तो ये जो बिहेवियर, लोगों के साथ में मिलना जुलना बंद कर दिया है, अकेले अकेले बैठे रहते, गुमसुम रहते, सोचते रहते, ऐसा लगता है फैमिली के लोगों को, ये सारे जो लक्षण है ये लक्षण है चेंज ऑफ बिहेवियर के। ये चेंज ऑफ बिहेवियर अगर महीने भर तक का है या 15 दिन तक का है और ऑटोमेटिक नहीं जा रहा है, वैसे ही रुक रहा है, या कोई कारण न होते हुए अगर आया है, तो आप समझिएगा कि साइकोलॉजिकल इश्यू डेफिनेटली हो सकता है ना। यस हालांकि कोई कारण न होते हुए रोने रोती सूरत बना देना, या छोटी छोटी ट्रिवियल मतलब बहुत ही मामूली चीजों के ऊपर में रो जाना, या कंप्लेंट करना, या अपने विचार जो है वो अडिंग विचार रखना और अपना बिहेवियर को चेंज ना करना, कोई कारण नहीं है। फिर भी आप, जैसे कि अभी एग्जाम के दिन आने वाले हैं, आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझको कहा कि वो, हालांकि उनके पिताजी ने कहा कि वो दिन भर तो लेटा ही रहता है, और जब वो उठ जाता है तो नीचे में तकिया लगा करके, पहले बेड पे कॉट पे लेटा था, अब जमीन पे लेटा रहता है। उसने भी उसको कहा कि पढ़ाई करने का दिल ही नहीं करता, अभी पढ़ाई का बहुत टेंशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों स्ट्रेस बढ़ रहा है? क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसकी खल
इसका दर्द दिमाग में है, तो चुभन होती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेरी एग्जाम 2 महीने में है और पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इस चुभन के कारण वो और परेशान हो जाते हैं, उस परेशानी को वो स्ट्रेस कहते हैं, मतलब उनका बिहेवियर चेंज है। हालांकि सारे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे, मतलब आपका बिहेवियर हटके है, आपका बिहेवियर अबनॉर्मल है, आपके एज के अनुसार नहीं है, आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं है, तो समझिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और ऐसे समय में साइकोलॉजिकल इशू हो गए, ऐसी संभावना पैदा हो जाती है मित्रों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी हो जाएगी या बीमारी ही है, हो सकता है बीमारी नहीं हो, लेकिन संभावना तो पैदा हो जाती है। ये संभावना के कारण भी हमारे पास में आना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत बार दवाई दिए बगैर ऐसे अर्ली स्टेज में बातचीत करके, जिसको काउंसिलिंग कहते हैं, वैसा करके ठीक किया जा सकता है ना? तो क्या आपको नहीं चाहोगे आप कि आपके कोई रिलेटिव बीमार पूर्ण रूप से होने के पहले ठीक हो जाए? मतलब कहते हैं ना, पूर्ण रूप से साइकेट्रिक बीमारी होने के पहले ही अगर आप अप्रोच करो तो कितना पुण्य का काम आप सब लोगों के लिए करोगे, है ना? हाँ तो यस सर, देखिएगा, होशियार हो जाइएगा, और बिहेवियर को अगर चेंज दिखता है आपको तो जरूर देखिएगा। मैं जाते जाते एक आखिरी बात बताते जाऊंगा। देखिए मित्रों, जो एल्डरली लोग रहते हैं ना, 50-60 के ऊपर के या 60-65 के ऊपर के, उन लोगों का अगर बिहेवियरल चेंज आपको दिखे तो ये बात पक्की ख्याल रखना कि उनके ब्रेन में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है, ठीक है? जैसे कि फॉरगेटफुलनेस, या जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ में बात नहीं करते थे, खामोश रहने वाले मितभाषी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या हम सबके साथ में हंसमुख करके बात करने वाले एकदम से खामोश हो गए और किसी के साथ में घुलते मिलते नहीं है अभी, पहले बहुत घुलते मिलते थे, अभी नहीं घुल मिल रहे। ये सारी बातें, मतलब साइकेट्रिक बीमारी हम ही ठीक करते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइकेट्रिक बीमारी नहीं है, पागलपन नहीं है, ब्रेन के अंदर में शायद कोई गड़बड़ी हो गई है, बहुत माइक्रोस्कोपिक हिमरेज हो गया है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या डिमेंशिया की शुरुआत भी हो सकती है। तो बिहेवियर से आप डिमेंशिया के बारे में भी अंदाज लगा सकते हो मित्रों, कहने का मतलब बिहेवियर के बारे को देख करके काफी चीजों का अंदाज लग सकता है। अगर आपको वो सस्पिशन का इंडेक्स आपके मन में हो, तो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन चेंज ऑफ बिहेवियर के लिए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके देन, थैंक यस यू। सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे ऑडियंस के लिए। यदि आपके लाइफ में, ऑडियंस के लाइफ में यदि कोई सडन चेंजेस लगे बिहेवियर में, आपके फ्रेंड्स के लगे, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता साइकोलॉजिकल इश्यूज होना कोई गलत बात है। आई थिंक ये अवेयरनेस अभी लोगों में आने लगा है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है और वो ठीक भी किए जा सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर माधव राजे, एंड थैंक यू टू ऑल ऑडियंस। थैंक यू सो मच।